में, में पीर मंगल बुद्ध और इन चार दिनों में हम क़रीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं अपने मुल्क से लेकिन जुमा और हफ्ता दो दिन सवाल के लिए हैं आपके सवाल होते हैं और हमारे अहद के एक जैद मुफ्ती साहब के जवाब कुरान सन्नत की रोशनी में कुछ सवाल हम पाकिस्तान के मुख्त शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं वो वीडियो क्वेश्चंस भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में खातन नजरात आज के हमारे मज्ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे मुल्क का एक मरूफ नाम मकबूल और महबूब नाम मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल फारकहसी दारूम कराची और मोहतम जामिया सोफ़ा मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब को खुश कहते हुए प्रोग्राम का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह जुमा और आयत नंबर नौ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. जी ए लोगो जो ईमान लाए हो जब पकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख छोड़ दो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो फौज मुजराज मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की ख़िदमत में पहला सवाल कि मुफ्ती साहब ये सवाल है मोहम्मद अली साहब का उनका सवाल यह है कि मुफ्ती साहब क्या मैं अपनी बीवी की बेटी के लिए एक तिहाई तरके की वसीयत कर सकता हूँ जो किसी और शौहर से है बसमर सरीम अम्मा आबाद सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इंसान के जो शर्ी व रसा हैं वो व रसा तो वो होते हैं जिनको क़ुरान करीम ने बयान कर दिया ठीक और वह उसके शर्ी वारिस बनते हैं उसके तरके और विरासत और उसके माल के वह हक़दार बनते हैं किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा वो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नसा में वाज तौर पर बयान फरमा दिए ये तो ज़विल फुरूज हैं या असाबात हैं यानी जो वो रसा कुरान हदीस के अंदर मुकरर कर दिए गए ठीक लेकिन कुछ ऐसे इंतहाई करीबी आइज़ा या रिश्तेदार होते हैं जिनको शर्ी तरके और विरासत के रास्ते से माल नहीं मिलना होता ठीक जब विरासत के रास्ते से उनको हिस्सा माल नहीं मिलता तो शरीयत ने उसका एक इंतजाम किया है और वो एक इंतहा नासहाना खैर ख़ाहाना, हकीमाना बंदोबस्त और इंतजाम ये है कि इंसान अपने माल में से वन थर्ड की बाकायदा वसीयत कर सकता है एक तिहाई की हद तक वो वसीयत कर सकता है और वो वसीयत अमल होगी ये इनतहा शफकत वाला अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की तरफ से रुख्स और इजाजत है ठीक वो कैसे शफकत वाला आपको मालूम है कोई भी इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद वो अपने माल में किसी किस्म के तसरफ का इख्तियार नहीं रखता ना जाहरी तौर पर ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना जिसमानी तौर पर ना फिजिकल किसी भी अतबार से मर चुका लेकिन वसीयत के रास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रास्ता रखा है कि अगर वो ऐसे अफराद को वसीयत करना चाहे कि जिन अफराद को विरासत के रास्ते से तो माल नहीं मिलने वाला अब मामला ये है कि वो किसी भी बुनियाद पर ये चाहता है कि फ़लां जगह पर माल खर्च हो या फ़लां को दिया जाए तो अल्लाह ने उसको ये एक रास्ता दे रखा है और इसका तस्करा भी सूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया चुनाचे आप देखिए बाज ऐसे करीबी तरीन आयजा जिनका मामला ये होता है कि उर्फ में और रिवाज में रिवाज और इंसान के अपने मिजाज मजाक के अतबार से भी, भी वो कोई दूर का नहीं समझा जाता मिसाल के तौर पर पोता है अब पोता बेटे की मौजूदगी में तरके और विरासत के अंदर हिस्सेदार नहीं होता ठीक एक बाप है उसका इंतकाल हो गया और उसके चार बेटे हैं उन चार में से किसी एक बेटे का बाप की जिंदगी में इंतकाल हो गया था जब बाप की जिंदगी में इंतकाल हो गया तो अब इस बाप के मरने के बाद चार नहीं बल्कि तीन बेटों के अंदर माल जाएगा और वो जो पोता है उस पोते को दादा के माल से हिस्सा नहीं मिलेगा ठीक अच्छा अब जब ये बात है तो उसके ऊपर जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को ये एक जहन में कन्फ्यूजन पैदा होती है या एक सवाल पैदा होता है के जी आ, उसको क्यों नहीं मिलेगा नहीं। तो जवाब यह है कि उसको तो इसलिए नहीं मिलेगा कि किसी भी मूरिस और मैयत से माल ट्रांसफर उसी वक़्त होता है जब उसका इंतकाल हो जिंदगी में तो किसी की मीराश तकसीम ही नहीं होती है नहीं। और जिंदगी में हर शख्स अपने माल का तन तना खुद मुख्तार है और जब वो मालिको मुख्तार है तो कुल्लु या तसरफूफी मिल की ही कई फशा हर इंसान अपनी मिल्कियत में जैसे चाहे तस्वरुम करना चाहे कर सकता है किसी की जिंदगी में उसकी मीरास तकसीम नहीं होती नहीं। जब उसकी मीरास तकसीम नहीं होती तो 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 अगर एक बेटा इस बाप बाप की जिंदगी में मर गया तो बाप से तो नीचे ट्रांसफर ही नहीं हुआ था नहीं। तो जब नीचे वो माल ट्रांसफर नहीं हुआ मुंतकिल नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में उस बेटे की आगे जो औलाद है उनको दादा से हिस्सा नहीं मिलेगा अच्छा अब ये मसला सबको मालूम है लेकिन क्या शरीयत ने यहाँ मुकम्मल तौर पे रास्ते बंद कर दिए तो ऐसा नहीं है तीन नहीं। रास्ते मौजूद हैं और मुझे हैरानगी होती है साहब के इस बात पर कि हम जब पैदा भी नहीं हुए थे सदर अयूब के जमाने के अंदर आयली कवानीन के एतबार से एक बहुत बड़ा मसला उठाया गया था और उस वक़्त के जो अलामात हैं जिनमे मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब अलैह और दीगर मसालिक और मकात बेफिक्र के भी हजरा कराम जो भी इस दुनिया से चले गए अल्लाह सब के दर्जा बुलंद फरमाए उनके ऊपर एहतिया बुलंद की थी और कहा कि आहली कवानीन को शरीत के, के मुताबिक ढाला जाए उसके अंदर पोते को हिस्सा दिया गया तो असम्बलियों में बहसे हुए पुराना लिटरेचर मौजूद है तो खुलासा ये है कि इतना शोर किया जाता है पोते को हिस्सा नहीं मिल रहा पोते को अरे भाई शरीय ने तीन रास्ते रखे हुए हैं नहीं। नहीं। उन रास्तों को इख्तियार कर लो अगर आपको रहम है अगर आपके दिल में शफकत है तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इंसानों का पैदा करना किया होगा अब वो इंतजामात कौन से है? से हैं उनमें एक इंतजाम ये है है दादा को पता है, मेरा एक बेटा जिंदगी में मर चुका था और उस दादा को इस बात का इल्म है कि अब मेरे उस मरहूम बेटे की आल औलाद को मेरे माल से विरासत और तरके के रास्ते से हिस्सा नहीं मिलना लिहाजा वो अपनी जिंदगी में वसीयत करे और जब वसीयत करेगा तो कुल माल के तरके में से एक तिहाई की हद तक उनकी औलाद को मिल जाएगा ठीक। एक रास्ता दूसरा रास्ता ये किसने मना किया है दादा को कि अपनी जिंदगी हिबा ना करे हर शख्स अपनी जिंदगी के अंदर जैसे मैंने अभी अरबी कोसूल बयान किया हर शख्स अपनी जिंदगी में उस करने का खुद मुख्तार है उसको इख्तियार हासिल है तो वो हिबात करे गिफ्ट दे तोहफा दे अतिया दे अपनी जिंदगी में उनके नाम पर प्लाट कर दे मकान कर दे जो देना चाहे दे जितना देना चाहे दे किसने मना करके रखा हुआ है कोई मना नहीं किया गया अच्छा यह दूसरा रास्ता है गिफ्ट हिबा तोहफा और अतिये वाला तीसरा रास्ता ये है कि आप ये आवाज बुलंद कर रहे मैं ये आवाज़ बुलंद कर रहा हूं बाहर के लोग आवाज बुलंद कर रहे तो वो जो सगे भाई थे वो जो सगे भाई है तो उनको अपने उस मरहूम बेटे और उनकी आल औलाद पर अगर तरस आता रहम आता शफकत का जहन बनता है तो फिर भाई उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि वो जितने भी बेटे बेटियां हैं दादा की जो औलाद औलादे वो अपने अपने माल से उस भाई को भी कुछ दे दे पहले हासिल कर ले तरके और विरासत से अपना माल हासिल कर ले जब उन्होंने तरके और विरासत से माल हासिल कर लिया तो उसके बाद वो अपने मरहूम बेटे को भी मरहूम भाई को भी दे दें जाहिर मरहूम भाई तो दुनिया से चला गया उसको देने का मतलब है उसकी आलोलाद को दे दें तो ये तीन रास्ते शरीयत ने रखे हुए हैं और जब रखे हुए तो प्रॉब्लम क्या है मुश्किल क्या है मजबूरी क्या है कोई भी नहीं है अब आ जाते हैं हम आपके सवाल की तरफ जो मोहम्मद अली साहब ने सवाल किया इसमें वो ये कह रही कह रहे हैं एक साहब के मैं अपनी बीवी की पहली पहली जो शादी हुई थी पहले निकाह से जो औलाद है यानी वो इसकी सौतेली औलाद होगी ना तो सौतेली औलाद को मैं वसीयत कर सकता हूं या नहीं तो जवाब ये कि शरीयत ने उसको ये रास्ता दिया हुआ है, है। और वो कर सकता है मामला ये है कि जब ये मरेगा इसकी विरासत तो इसकी सगी औलाद में जाएगी ठीक है। इसकी विरासत तो इसके बेटे बेटियों में जाएगी इसकी विरासत अगर उस वक्त इसके माँ बाप जिंदा होंगे तो वालिदैन को भी मिलेगा अगर इसकी बेवी जिद्दा होगी तो बेवा को भी मिलेगा तो इस आदमी के जो शौहर है जो बाप है इसके वसा में शरी तौर पर कौन है बेटिया सगी बेटे सगे इसी तरह मां और बाप और बेवा ये इसके अपने शर्स निसा के मुताबिक वो रसाय हकीकी है, है। इनको तो मिलेगा तर्क और विरासत के रास्ते से लेकिन सोतेली बेटी की सोतेली बेटी इसकी वारिसा नहीं है जब वो इसकी मरहूम की वारिसा नहीं है तो अब वो गैर वारिस हो गई जब गैर वारिस है तो गैर वारिस के लिए वसीयत की जा सकती है लिहाजा ये वन थर्ड या उससे भी कम अगर वसीयत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल पैदा होती है हमारे माशरे में बात इसकी जरूरत होती है कि सोतीली औलाद को अब जाहिर सी बात है वो जो बीवी आई है वो अपने साथ औलाद ले करके आई है और उसके पहले शोहर का इंतकाल हो गया तो उन बच्चों का क्या बनेगा ऐसी सूरत में यकीनन वसीयत करनी चाहिए इसी ऐसी सूरत में यकीनन उनको स्टेबल करने के लिए उनके नाम पे कोई प्लाट और जायदाद अपनी जिंदगी में कर लेनी चाहिए हिबा का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए ऐसी सूरत में तोहफा और गिफ्ट का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए जब तक इसकी जिंदगी मौजूद सौतेले वाल की सांसें चल रही हैं यह हर किस्म का तसरफ कर सकता है तो वसीयत भी कर सकता है गिफ्ट भी कर सकता है हिबा भी कर सकता है कल को अगर दीगर सोतेले बहन भाइयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल में रहम डालता है तो वो भी अपने अपने माल और अपने जाति तरका से जो हासिल शुदा हिस्सा होगा उससे अगर इनको देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं लेकिन उन पर डिपेंड ना रखे उन पर मौकूब ना रखे अपने तौर पर अगर वसीयत करना चाहे तो वो वसीयत कर सकता है इसमें कोई ममानात नहीं है शरीयत नहीं। ने यह रास्ता इनको बताया हुआ है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्लियर हो गई पूरी बात जावेद सत्तार साहब का सवाल है कि एक बाप का इंतकाल हुआ उसने मीरास में एक लाख रुपए छोड़े मीरास तकसीम नहीं हुई बड़ा बेटा कारोबार में वो एक लाख रुपए इस्तेमाल करता रहा अब वो एक लाख दस लाख बन गए लिहाजा अब विरासत एक लाख की तकसीम होगी या दस लाख की गौतरम जनाब अनीब साहब गुजारिश ये है कि इस सवाल के जवाब के अंदर मैं दो हिस्से करना चाहता हूँ ये जो जावेद सत्तार साहब ने सवाल के दौरान में कहा कि वालिद का इंतकाल हो गया और विरासत तकसीम नहीं हुई आप अगर इजाज़त देंगे तो मैं पहले तो इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ फिर उसके बाद उनके असल अख्तितमी हिस्से में जो सवाल है उसका जवाब पहली बात तो यह कि विरासत तकसीम नहीं हुई कितनी गलत बात है ना बात है हराम बात है सख्त तरीन गुना का मामला है और दस साल गुजर गए दस साल गुजर गए इन्ना और ये साहब हमारे समाज का सुलगता मसला है ये हमारे समाज का हमारी सोसाइटी का इतना खतरनाक इतना डेंजर इतना वहशत वाला अब ये एक नासूर बन चुका है हर घर हर दूसरा घर इसके अंदर मुबतला है बाप के इंतकाल को पांच साल बीत गए जैसे यहाँ बताया दस साल गुजर गए बीस साल गुजर गए, अब था क्या शरीयत का हुक्म क्या था कि तीन दिन तक सोग होता है तीन दिन तक आयजा को कहा जाता है कि उनके घर के अंदर चूंकि फोतगी हुई है तो पड़ोसियों को चाहिए अयजा अबा को चाहिए कि खाना भिजवाए जो कि सुन्नत रसूल सल्लाम और सल्म। इसके साथ साथ वो गम की हालत में तीन दिन के बाद विरासत तकसीम कर दी जाए और अगर कोई मेहमान आए हुए हैं कोई अगर बहुत मजबूरी है कुछ दिन दो दिन पांच दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन कोई महीना तक भी कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे चलो उसकी भी गुंजाइश ये साल हर हाँ साल गुजर जाए और इसमें क्या हो रहा है कि वो जो बाप का तरका है एक बेटा इस्तेमाल करता चला जा रहा है बड़ा बेटा खाता चला जा रहा है बड़ी औलाद उसको इस्तेमाल करते चले जा रही है नाबालिगों को पूछने वाला कोई नहीं या दूसरे बेटे जो बाप के साथ नहीं रहते थे उनको पूछने वाला कोई नहीं फिर इसमें जो पिस्ते हैं वो कौन सा तबका पिस्ता है वो हमारी बहनें पिस्ती हैं वो जो बहनें हैं जो अब अपने घरों को जा चुकी हैं वो दिल के अंदर कोढ़न रख करके बैठी हुई हैं बोल नहीं सकती भाईजान को बोलेंगी तो मोहब्बत कटेगी भाईजान को बात करेंगी तो वो नाराज हो जाएंगी क्या क्या पेचीदगियां नहीं पैदा होती और उधर वो जो बहनोई है वो बीवी को जोर लगाता है कि अपना हिस्सा लो अच्छा वो जो बीवी बेटी है उसकी आगे औलाद पैसा आज के दौर में किसको नहीं अच्छा लगता भाई वो औलाद सारी की सारी कह रही है हमारा हिस्सा लेकर क्या औलाद जो है जो के नवासे हैं मरहूम के वो अपनी माँ से बार बार अलग तकाजा कर रहे हैं पोते पोतियां नवासे नवासी अलग तकाज़े करते हैं वो जो बेटियों के शौर वो अलग से तकाजा करते हैं उनको बरह रास्त तकाजा करने का इख्तियार नहीं है लेकिन बेटियों को तो इख्तियार है बेटियां शर्मसारी की वजह से लिहाज की वजह से मुर्वत की वजह से बात नहीं करती हैं ये सब क्या हो रहा है हराम और नाजायज और अनीक साहब मैं आपसे करता हूँ आज खुदा करे कि एक नुकता हमारे माशरे में और हमारे प्याम सुब के नाजरीन और सामीन की ख़िदमत में मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि यह नुकता समझ में आ जाए हराम माल की डेफिनेशन क्या है हमारे, है हमारे माशरे में हराम किसको समझा जाता है हमारे माशरे में हराम इसको समझा जाता है जो शराब की आमदनी होती है खंजीर का गोश्त अगर कोई पकाए खिलाए बेचे हमारे यहाँ नौजबिला बदकारी की आमदनी को हराम समझा जाता है सूद को हराम समझा जाता है हम ये तीन चार चीज़ों को हराम समझते हैं अरे भाई ये तो हराम है हराम है ही लेकिन यही हराम नहीं है ये भी हराम है इसके साथ और बहुत सारा हराम है वो क्या है वो ये आपने पूरे के पूरे अपने समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर अगर आप एक बाकायदा हलाल नौकरी पर लगे हुए हैं लोगों के दिमागों में क्या आता है भाई ये तो एक हलाल रिस्क कमाता है कैसे हलाल रिस्क कमाता है फैक्ट्री का मजदूर है कारखाने और मिल का मजदूर है सुबह आठ बजे जाता है शाम को आता है तो ये तो एक हलाल काम कर रहा है लादा जब ये हलाल काम कर रहा है इसमें तो हराम को कोई अंसर नहीं है वो उस हलाल को भी कहाँ कहाँ हराम बना रहा है उसका तो किसी को पता ही नहीं है आठ बजे ड्यूटी टाइम शुरू होता था और वो पांच बजे ड्यूटी टाइम खत्म होता था वो चार बजे जा रहा है आठ के बजाय वो नौ बजे जा रहा है ये जोमिया उसने दो घंटे डंडी मारी है जो उजरत और वेज उसको मिलती है जो तनख्वाह और पैसा मिलता है इस दो घंटे के अगेंस्ट में जो पैसा आएगा दुनिया का कौन सा मुफ्ती उसको हलाल कह सकता है भाई वो हराम है नाजायज है अच्छा इसी तरीके से हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे कहा जाता है भाई ये तो फ्लैट का कारोबार करता है ये तो प्लाट बेचता है ये तो फर्ज करें कि क्या नाम है बिल्डर है तो बिल्डर ये तो बिल्कुल हलाल काम इसमें तो कोई सूद नहीं है इसमें कोई नौज शराब की आमदनी नहीं कोई खंजीर की आमदनी नहीं कोई सूद की कोई रिश्वत की आमदनी ये तो बिल्कुल जायज़ है उसके अंदर वो जो सरिए में डंडी मार रहा है वो जो उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल के अंदर दो नंबरियां कर रहा है वो जो उसके अंदर वहां पर क्रश के अंदर बिजली के अंदर सरिये के अंदर सीमेंट के अंदर ब्लॉकों के अंदर जो गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है बताओ उसकी वजह से उसकी आमदनी हराम नहीं होगी और इंसानी जानों को वो खतरे में डाल रहा है और बाद यही जावेद सत्तार साहब कहते हैं कि जनाब लोग क्या मार्केट के अंदर कहते हैं कि जनाब ये तो क्योंकि वो सही काम कर रहे हैं कहते हैं ये पागल है जो बिल्डिंग मटेरियल सही इस्तेमाल कर उसको पागल कहा जाता है हर टेबल पर उसका मजाक उड़ाया जाता है भाई कौन सा तुम लोगों ने रहना है बस जल्दी जल्दी से खड़ा करो और बस जल्दी जल्दी से मटेरियल इस्तेमाल करके दो नंबर चार नंबर यहां से निकल जाओ ये आम मार्किट की रूटीन है क्या ये हराम नहीं है हमारे सरकारी मुलाजमन की सूरत हाल क्या है अल्लाह बचाए हमारे बहुत सारे लोगों का जहन ये बना हुआ है काम चोरी हमने करनी है इसी नीयत से हम जा रहे हैं नहीं। काम नहीं करना क्वांटिटी के अंदर क्वालिटी के वहाँ जा कर के अंदर हमने डंडी मारनी है और टाइम वेस्ट करना है फिक्स टाइम पर जाना नहीं है फिक्स टाइम पर निकलना नहीं है ये एक आम रूटीन है तो अनिक साहब एक हराम माल वो होता है कि जो अपनी नेचर के एतबार से नेचर ऑफ जॉब के एतबार से हराम हो एक हराम माल वो होता है कि है हलाल खुदा की जात ने हमें ऑफ इनकम हलाल दिए थे मगर उस हलाल रिसोर्स इनकम को हमने अपनी हरकतों से हराम बना लिया तो वो भी हराम है, है। तजी ए रसूलो पाकीजा हलाल और तजीब चीजें खाओ और अच्छे आमाल करो तो रसूल और अंबिया तो खाते ही पाकीजा है वो तो खाते ही हमेशा हलाल है मशकूक तक उनके मुंह में नहीं जाता तरगीब हमें दी जा रही है हुक्म हमें दिया जा रहा है अच्छा और यहाँ है कि मामे राज ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया है कुलू मिन तजीबात फरमाया उसके फौरन बाद फरमाया पाकीजा और हलाल खो और अच्छे आमाल करो गोया के पाकिजा और हलाल खाने का रिजल्ट और नतीजा ये निकलता है कि आमाल साले हो जाते हैं जैसे माल वैसे अफाल जैसे माल वैसे अकवाल, जैसे माल वैसे आमाल ये बाकायदा कानून है जो मुंह के अंदर लुकमा जाएगा उसी तरह के आमाल शादिर होंगे दूसरी जगह पर क्या फरमाया जा रहा है पर ना चलो तो पता चला शैतान के रास्ते कब आते हैं जब पाकीजा और हलाल तज लुकमा नहीं होता नहीं। जब रिस्क और माश हलाल नहीं होता यहां पर भी सवाल के अंदर जो कहा गया कि विरासत तकसीम नहीं हुई तो सवाल यह है कि पूरे माशरे के अंदर हर दूसरे घराने का यह मसला है चाहे अरबन एरियाज हो रूलर एरियाज हो वहाँ पर क्या हो रहा है दादा का इंतकाल हो गया था बाप का इंतकाल हो फैक्ट्री थी वो चल रही है पैसा था वो उसी तरीके से अकाउंट में चल रहा है निकाला जा रहा है खर्च किया जा रहा है उसका माल था बैंक बैलेंस था ज़ेवरात थे नकदी थी प्लाट थे मकानात थे मिल थी कारखाना था दुकान थी जो कुछ फैक्ट्री थी वो सारे का सारा चल रहा है ओ भाई के बाद वो तमाम वो का हिस्सा बन चुका है और अगर कोई एक आदमी इस्तेमाल करता चला जा रहा है गसब है ठीक है हराम है नाजायज है और दो बंदे तीन बंदे वरासा है कुल बारह तीन बड़े वाले ताकतवर मगर गासिब बन करके वो मुसलसल इस्तेमाल किए जा रहे हैं बाकी बेचारे मना भी नहीं कर सकते नहीं। खामोशी इख्तियार की हुई है मुरत है शर्मा शर्मी है लिहाज है, है। हमारी तो ये हलाल को हमने अपनी हरकतों से हराम बनाया नाजायज है हराम है खुदारा इस नुकते पर हमको आना चाहिए बहनों को उनका हिस्सा दिया जाए माँ को उसका हिस्सा दिया जाए भाइयों को उसका हिस्सा दिया जाए छोटे को दिया जाए बड़े को दिया जाए और क्या कहा जाता है अभी तो कबर का कफन भी मेला नहीं हुआ का कफन भी मेला नहीं हुआ अच्छा, जुमले कह रहे होते मुकाबले में खड़े होते हैं फिर कभी कहते ये बातें तो मोहब्बत की कैं है तो वहां जब कतलो खून कारत गरी कर रहे होते वो मोहब्बत फिर कहा चली जाती है तो ये सब हमारे खुद साख्ता तस्वरत है शरीयत पर चलने में कोई झगड़ा नहीं होता इस्लामी कानून और शरीयत के मुताबिक हम चलेंगे किसी किस्म की लड़ाई तो नहीं हर एक को उसका हिस्सा तरका मीरास में से अपना अपना कानूनी हिस्सा मिल जाएगा किसी को कोई एतराज नहीं होगा और किसी इस काम तो में, में, में इख्तियार करनी चाहिए इसको पेंडिंग में नहीं डालना चाहिए अब यहां पर ये पूरा उसूल आपने शरीयत का वो बयान कर दिया अब ये सवाल यहां पर यह है कि मीरास एक लाख दस साल तक इन्होंने तकसीम नहीं की और अब वो कारोबार दस लाख का हो गया प्रॉपर्टी वो दस लाख की हो गई है ये तकसीम एक लाख में होगी या दस लाख सवाल इनका ये है लेकिन इसके बीच में एक सवाल मेरा वो सवाल ये है कि जैसे आपने फरमाया हमारा दीन यही बताता है कि विरासत की तकसीम जल्द से जल्द कर दी जाए लेकिन एक दुकान चल रही है ये कारोबार इन्होंने कहा ना कि कारोबार में एक लाख रुपए इस्तेमाल वो बेटा करता रहा अब्बा का इंतकाल हो गया ये दुकान चल रही है उस जमाने में वो एक लाख की इसकी वर्थ है दुकान प्लस स्टॉक जो पड़ा हुआ है इसके अंदर अगर हम इस एक लाख को तकसीम कर देते हैं अगर छसा भी हैं तो क्या मिलेगा और यहां से आमदनी भी तो हो रही है तो एक कंसेंसस डेवलप हुआ सब ने इज्तमी तौर पर यह राय दी कि आप इस कारोबार को देखिए और इससे मुनाफा जो आता है उससे हमारा घर चलता रहेगा अब 10 साल गुजर गए वो एक लाख 10 लाख हो गया तो अब एक सवाल तो इनका यह है कि तकसीम एक लाख पे होगी या 10 लाख पे या फरमा दीजिए और दूसरा जो मेरा सवाल है उसको भी जरा आप वजाहत कर दीजिए कि ऐसी सूरत में क्या विरासत की तकसीम में ताखीर हो सकती है जो इनका सवाल है पहले तो मैं उसका जवाब दे दूं एक लाख था अब दस लाख हो चुका इसका जवाब यह है कि वो जो एक बेटा कारोबार के अंदर उस एक लाख को चलाता रहा हाँ। दूसरे वरास की इजाजत से चलाता रहा या बगैर इजाजत के अगर तो वो दूसरे तमाम वरास की रजामंदी उनकी दलालतन या सराहतन इजाजत से चलाता रहा तो फिर ऐसी सूरत में जो कुछ भी नफा आएगा वो सारे का सारा नफा तमाम वो रसा में अपने अपने शरीर से के मुताबिक तकसीम होगा सारा नफा इस एक बेटे का नहीं है लादा सब को देना होगा अच्छा यहां अलबत्त एक सवाल क़राम ने जरूर उठाया है वो ये कि ये जो एक बेटा दस साल तक तने तनहा काम करता रहा इसका क्या होगा क्योंकि वो एक लाख तो दस लाख हो गया ना और अब हम क्या कह रहे हैं कि वो सारे वसा में तकसीम हो जाएगा इक्वल से मुरादे हर एक के शरी कानून के मुताबिक तो फिर इस एक बेटे ने जो कारोबार किया और इतने दिन तक जो मेहनत और सर्विस फ्राम की इसको क्या मिलेगा इसके बारे में ने लिखा है ज्यादा से ज्यादा इसको उजरत मिसल मिलेगी उजरत मिसल का मतलब क्या है जितना काम इसने किया और जितने अरसे तक किया इतना काम बाजार का कोई और फर्द एक स्ट्रेंजर मैन एक अजनबी आदमी करता और इसी वक्त में करता तो उसको कितनी उजरत दी जाती उतनी उजरत का ये अलग से मुस्तक और हकदार होगा ये कौन सी सूरत है ये सूरत है जबकि सारे व रसाने इसको इजाजत दी हुई थी और अगर सारे व रसाने इजाजत नहीं दी थी और उनकी इजाजत के बगैर ये काम करता रहा एक लाख को दस लाख रुपया तो शरीयत कहती है ये गसब है। ये ग़सब है इसने डाका मारा है और जो कुछ भी इसने नफा कमाया ये नफा इसके लिए हलाल नहीं है अब इस नफे के बारे में शरीयत के अंदर दो बातें हैं पहली बात यह कि ये जो कुछ इसने कमाया इसका जो अपना हिस्सा उसमें था उस हद तक तो उसका नफा हलाल है लेकिन उसके अलावा वाला जितना हिस्सा है वो ग़सब है, वो सदका किया जाए लेकिन सदका का हुक्म उसूली उक्म यह कि सदका किया जाए मगर सदका किसी चीज का उस वक्त करने का हुक्म होता है जब उसका मालिक मालूम ना हो यहां तो वो रसा मालूम है और जब वो रसा मालूम है तो अब फतवे के अंदर यह बात लिखी जाती है जितना प्रॉफिट होगा वो सारे का सारा प्रॉफिट तमाम के तमाम वाह में तकसीम होगा और इसको उजरत मिसल भी नहीं मिलेगी नहीं। तो गोया दोनों में फर्क क्या हुआ दोनों अगर इजाजत से काम किया था तो इसको उस काम के करने की उजरत मिलेगी मगर नफा सारे वारसों में तकसीम होगा दूसरी सूरत के अंदर अगर इजाजत के बगैर काम किया था तो ऐसी सूरत में इसको उजरत भी नहीं मिलेगी और जितना नफा आया वो सारे का सारा नफा तमाम वाह के अंदर तकसीम करना जरूरी है खुलासा आखिरी आखिरी जुमले में क्या निकला एक लाख का दस लाख बना है अब वारसों में एक लाख तकसीम नहीं होगा बल्कि दस लाख तकसीम होगा ठीक है ये है इस मसले का जवाब जो जावेद साहब का था अब जो आपने फरमाया कि जनाब एक लाख रुपया है दो लाख पांच लाख अगर हम उसके टुकड़े हिस्से बकरे कर देते हैं तो उसके नतीजे में तो कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को और वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और एक चलता हुआ कारोबार है अनिक साहब शरीयत ने बाहर सूरत मीरास की तकसीम पे सरार नहीं किया शरी फैसले पे इसरार किया क्या बात है वाह 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 समझ गया कि नहीं शरीयत कहती है शरीफ फैसला करो हमसे ज्यादा शरीयत हकीमाना सोच रखती है शरीयत हमसे ज्यादा शफकत का मामला रखती है चुनाचे फुकाह कराम ने लिखा है कि अगर एक मकान ऐसा है बाप का इंतकाल हुआ और बाप का वो मकान था मिसाल बयान किया और उस जमाने के यानी ये लिखते हुए आ रहे अगर वो मकान शरी तौर पर उसूली तौर पर तो ये उसके टुकड़े करो बीच में दीवारें लगाओ हर बेटे को उसका हिस्सा दो हर बेटी को उसका हिस्सा दो लेकिन वो मकान है गज का फर्ज करो मकान ही वो सारे का सारे बीस गज का है साठ गज का मकान है छोटा सा मकान कहाँ दीवारें लगाएंगे और दीवारें लगाए बेटियों को क्या मिलेगा बेटों को क्या मिलेगा तो शरीयत ने उसके तरीके बयान किए हैं मिसाल के तौर पर कोई एक बेटा आज की मौजूदा मार्केट वैल्यू लगा करके वो मकान ले ले बाकियों को पैसा दे दे अब ये है कौन लेगा कौन वो करेगा उसके अंदर कौरअंदाजी भी कर सकते हैं उसके अंदर बाही रजामंदी से अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं अच्छा अगर मकान ऐसा काबिल तकसीम है तकसीम के काबिल और बाकी वसा राजी है तो फिर आप उसको दीवार लगाकर तकसीम करो ये भी हो सकता है फकहा ने इस बारीकी तक भी काम किया है कि कोई कहेगा कि मेरे को तो कारनर का हिस्सा दो कोई कहेगा मुझे वेस्ट ओपन का दो कोई कह रहा है आपने तो मुझे पीछे वाला हिस्सा दे दिया तो उस पर भी शरीयत ने यह कहा बाकायदा कुरानदाजी कर ली जाए किसके हिस्से में कौन सा आएगा किसके हिस्से में कौन सा आएगा और अगर किसी के हिस्से में कॉर्नर का आता है उसकी वैल्यू ज्यादा पीछे वाले के अंदर वैल्यू कम तो मौजूदा मार्केट वैल्यू लगाओ उस हिसाब से वो वाला बंदा दूसरों को पैसे देगा तो ये सारे अहकाम शरीयत ने बयान करके रखे हैं शरीयत को बाहर सूरत उस इंस्टीट्यूट को तोड़ने और हिस्से बखरे करने का कोई शौक नहीं है उसको टुकड़े टुकड़े करके तकसीम करने का भी शौक नहीं हां शरीयत का इसरार ये जरूर है आज चीजों को बैठकर तय भी करो शर फैसले के मुताबिक हिसाब किताब कर लो और जब हिसाब किताब कर लोगे तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है मिसाल के तौर पर आपने जो सवाल में पूछा कि जनाब वो जो कारोबार है अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते तो फिर तो किसी को नहीं मिलेगा बिल्कुल ठीक है तो उसके अंदर क्या काम करो उसकी गुडविल और उसकी साख और वो दुकान उसके अंदर पड़ा हुआ सारे का सारा पैसा और उसके अंदर कैश के अलावा माल जो प्रोडक्शन जो भी राशन या जो भी वहां चीजें पड़ी हुई है उन सब की मार्केट वैल्यू लगाओ मार्केट वैल्यू लगाई चार बेटे एक बेटा कहता है वो मैं ले लेता हूं ठीक है जी उसको दे दो बाकियों को आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो पैसे अदा कर दे बस जब उसने पैसे अदा कर दिए हर एक को उसका हिस्सा मिल गया बहने उनको पैसा आप दे दे पैसा देने के बाद आप फारिग कर दे और जब फारिग कर दिया ये दुकान एक बेटा रख ले बाकी दो बेटे रखना चाहते हैं पार्टनर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा वो दो रख ले बाकियों को पैसे दे दे तो ये आसानी के साथ तरीके मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ये है अनीक साहब हम सुस्ती गलत और उससे भी ज्यादा यह कि जिसका तसलत घर में चलता है जिसका गलबा चलता है जिसका कब्जा और कंट्रोल चाहता है वो सबको दबा के रखता है और थीक थीक अपने तौर पर वो माल खाता, रहता है, खाता रहता है और दूसरे वो रसा कभी शर्म लिहाज और, और कभी दबे होने की वजह से खामोश रहते हैं सब खिलाफ बातें बाकायदा तकसीम करो ना तो बायदा शरि तौर पर बैठ करके फैसला क्लियर हो गई आपने बार फरमा की एक दुकान है अब दुकान तकसीम कैसे होगी नहीं हो सकती नहीं हो सकती ना। दस, ना दस साल तक इस लड़के ने बड़े बेटे ने चलाता रहा मुनाफा आता रहा घर चलता रहा एक लाख का आ, की मालियत थी और ये दस लाख हो गई विरासत की तकसीम में ताखीर हुई मेरा सवाल ये था आपकी खिदमत में क्या ये ताखीर दीन कबूल करता है ताखीर शरीयत कबूल नहीं करती है दीन कबूल नहीं करता है किसी सूरत इजाजत नहीं देता लेकिन साथ में शरीयत को इस पर भी इस नहीं कि इसके हिस्से बकरे करें, लेकिन शरीयत ये कहती है फैसला जरूर कर लो और वो फैसला कैसे करो तो, आ, हाँ, तो अब ये बात आती है फैसला, फैसला, फैसला कैसे होगा हाँ. फैसला इस तरीके से है कि इस वक्त ये दुकान चार बेसे फलाना बेटा ले लेगा ले तुम इसके मालिको मुख्तार हो और तुम इस तुमको तमाम तर मालिकाना हकूक के साथ हम हवाले कर देते हैं मगर इस दुकान की टोटल मालियत उसकी पूरी वर्थ और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बनती है इतनी बनती है उसमें से अपना हिस्सा वो तो तुम्हारा ही हो गया बाकी दूसरों का है जब दूसरों का है तो क्या सारे के सारे राजी हो कि मैं तुम्हारा नुमाइंदा वकील और एजेंट बनकर इस कारोबार को जारी रखू अगर वो कहते हैं हां जी तो फिर हर एक को उसका नफा अपने अपने हिस्से के बकादर मिलता रहेगा सारे उस दुकान के अंदर पार्टनर रहेंगे लेकिन तय तो करो और अगर तुमने तय नहीं किया एक अगर उसका मालिक बनना चाहता है वो मालिक बन जाए बाकियों को क्या काम किया जाएगा वो उसको हिस्से के पैसे दे दे और जब पैसे दे दिए तो सब फारिग हो गए दुकान का मालिक एक वारिस हो गया तो यह है तरीका कोई एक अच्छा। तरीका तय करना जरूरी है और वो तरीका शरीय कानून के मुताबिक तय करना जरूरी है सुबह सुबह मुनीर खान साहब का सवाल है कि इशराक और चाश्त दोनों की नीयत से अगर चार रकत अदा की जाए तो ये जायज है जायजे कर सकते हैं असल हाँ। बात यह है सुन या फर्ज और वाजिब के अंदर तो यह नहीं हो सकता जाहिर सी बात है कि फ़र्ज़ में तो यह नहीं, नहीं हो सकता एक आदमी जोहर पड़े उसके असर असर की भी मैंने नीयत कर ली वो नहीं हो सकता सुन्नत मुक्दा में कोई शख्स जोहर के बाद की दो सुन्नतें पढ़ रहा है और सोचे इशा के बाद की दो सुन्नतें मैं इसमें शामिल कर लेता हैं जाहिर है कि वो नहीं हो सकता लेकिन ये हैं दोनों नफल नमाजें नफर नमाज के अंदर वो साथ होती है नफल नमाज में एक इंसान नीयत कर लेता है कि अल्लाह मुझे ये भी अजर दे दे ये भी अजर दे दे तो फजाइल में और नवाफिल में यह चल सकता है जायज़ है और अल्लाह सवाब देने वाली ज़ात है तो इन की रहमत तो बहाने तलाश करती है लिहाजा दोनों का अजर मिल जाएगा अल्लाह सुबह अल्लाह मलिक गुलाम अली साहब का सवाल है कि मौजूदा हालात में डॉलर्स की खरीदो फरोख इस नीयत से की जाए इस नीयत से कि अपने पास महफूज करके रख लिए जाए जायज है देखिए अनिक साहब ये आज के हमारे पाकिस्तान के माशी हालात को सामने रखते हुए बड़ा ही इंतहाई डेंजर और बड़ा ही खतरनाक और सेंसिटिव मसाला भी ये इशू भी बना हुआ है पहले तो शरि पोजीशन समझ लेनी चाहिए कि आम हालात में जब स्टेबिलिटी हो और नॉर्मल नौर, हालात चल रहे हों और रूटीन की सूरत हाल हो तो उन नॉर्मल हालात में कोई आदमी डॉलर ख़रीदता है नफ़े की नीयत से अपने पास रखता है तो जायज़ है इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं वो अपनी बच्चियों की शादियों के हवाले से या अपने मुस्तबिल वगैरह के हवाले से या कल को काम आए सोना ख़रीद करके रख लेते हैं सोने की गोल्ड की ईंटें ख़रीद करके रख लेते हैं कोई लोग प्लाट खरीद करके रख लेते हैं कुछ लोग इसी तरह डॉलर खरीद करके रख लेते हैं नॉर्मल हालात में स्टेबिलिटी का ज़माना जब हो जब माशी हालात के अंदर कोई गैर मामूली अप डाउन ना हो रहा हो तो ऐसी सूरत में ओपन मार्केट से रुपए के बदले के अंदर डॉलर को ख़रीद कर अपने घर में रखता है तो वो जायज़ है लेकिन जब मार्केट के अंदर डॉलर कम हो रहे हों बल्कि खत्म हो रहे हों, जैसा कि आजकल की पोजीशन है या डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हो और ये बात डॉलर की ओपन मार्केट के अंदर उसके नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज की बुनियाद पर ना हो बल्कि इस वजह से यह काम हो रहा हो कि लोग धड़ाधड़ डॉलर खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं। और लोगों के खरीद कर स्टॉक करने की वजह से वो डॉलर ऊपर जा रहा है और उसकी कीमत ऊपर जा रही है और उससे मुल्कों मिलत को नुकसान है तो फिर यह जखीरांदोजी है ठीक और फिर यह नाजायज है और कानून शिकनी है और कानून शिकनी का गुना होगा जखीर अंदोजी का गुना होगा मुलक को नुकसान पहुंचाने का गुना होगा एक इस्लामी मुल्क को नुकसान पहुंचाने का गुना होगा इस्लामी मुलक के बाशिंदों को नुकसान पहुंचाने का गुना होगा मिल्लत की इकॉनमी को वीक करने के जिम्मेदारी के जुर्म के अंदर यह शख्स शरीक होगा फिर इसकी कोई इजाजत नहीं है फतवे के एतबार से भी अहल बसरतल कराम ने अपने फतावा के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है नहीं दी लिहाजा मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस तरह धड़ाधड़ लोग डॉलर खरीद रहे हैं और मार्केट से डॉलर नापेद होते चले जा रहे हैं ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं और उसको छप्पड़ के अंदर बंद करते चले जा रहे हैं और फिर उसकी वजह से डॉलर की कीमत इंतहाई ऊपर जा रही है अशिया की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं मुल्क को नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी और मीशत तबाह और बर्बाद हो रही है तो ऐसी सूरत में इसकी हरगिज़ शर्ण इजाजत नहीं है मुल्क को नुकसान पहुँचाना फिर इस्लामी मुल्क को नुकसान पहुँचाना शर्य तौर पर भी तो हराम है दीनी एतबार से, भी से भी तो हराम है इस्लामी नजर से भी तो हराम है फतवे के नुकता नजर से भी तो हराम है तो ये बिल्कुल नाजायज है इसकी हौसला होनी चाहिए कई सारे जराइम हो जाते हैं इसकी शरीय में कोई इजाजत नहीं है डॉलर की, की शरीय में कोई कुछ वीडियो क्वेश्चन में हम रखते हैं पहला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में अलमैकम मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि कहके लगाने या नींद का झोंका आने से वजू टूट जाता है दो बातें इन्होंने अलग अलग कर ली हैं एक तो कहका लगाने से अगर तो खारिजे नमाज कहका लगाया गया उससे तो वजू नहीं टूटता उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अलबत् दौरान नमाज अगर कहका लगाया जाए तो फिर उस सूरत में वजू टूट जाता है ये तो है कहका लगाने का तो दौरान नमाज ज़ाहिर है कि कहका लगाना यसल में मुबतले सलात है यानी नमाज हुँ, को फासिद और बातिल कर देने वाला अमल है कि दौरान नमाज आप खड़े और कहका आपने लगा लिया तो जाहिर नमाज के अंदर आपने एक ऐसा अमल किया जो खारजी खारिज सलात अमल किया जा सकता है तो ये शर नाजायज लिहाजा दौरान नमाज अगर कहका लगाया गया तो उससे वजू टूट जाएगा और जब वजू टूट जाएगा तो नमाज भी टूट जाएगी दूसरा उन्होंने कहा नींद का झोंका yeah. तो देखिए नॉर्मल जो नींद होती है यानी नॉर्मल अगर इस तरह की नींद है कि आप बैठे हुए हैं और ऐसे झोंका सा आ गया इससे वजू नहीं टूटता hmm. इससे वजू के अंदर कोई नहीं या नींद का ख्याल आ गया तो भी नहीं या इस तरह की नींद कि आप आसपास की सारी बातें भी सुन रहे हैं समझ भी रहे मगर सुकून और एक सकीना नाजिल होना जिसको कहते हैं आंखें सिर्फ बंद की हुई इससे भी वजू पर कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ अगर ऐसी गहरी नींद हो कि जिस नींद के अंदर खर्राटे आने लग जाएं या जिस नींद के अंदर आप करवट के बल लेट जाएं या अगर आपने पीछे कहीं तकिया लगाया हुआ है या कॉलम और सुतून पर आपने टेक लगाया हुआ है या गोल पे टेक लगाया हुआ है और उस टेक लगाई हुई चीज को अगर हटा दिया जाए आप गिर जाते हैं ऐसी गहरी नींद अगर है तो फिर उससे वजू टूट जाएगा ऐसी सूरत में फिर फुकाहा का फतवा यही है कि दोबारा वजू करके नमाज के अंदर शामिल होना जरूरी है अब ये वजू टूट चुका है ठीक है एक साहब ने फर्ज नमाजें अदा कर ली और अब सुन्नतें पढ़नी हैं लेकिन कुछ देर के लिए वो आराम करने के लिए टेक लगाकर बैठ गए और वहाँ एक झोंका आ गया उन्हें नींद का तो क्या उन्हें वजू करना होगा दोबारा एक एक आज जिस तरह मैंने अर्ज किया कि झोंका है इससे कुछ नहीं है अगर वो लेट जाए अच्छा या ये है कि वो झोंका तो इतना ज्यादा कि वो खराटे लेने लग गया अच्छा या ये है कि अगर वो टेक लगाया हुआ था और टेक वाली जगह को आपने हटाया तो वो गिर जाए बा इस हद तक की कोई नींद तो उससे उससे तो है कोई नहीं अच्छा, आम पे हम और आप और जो लोग जाते हैं वहाँ हरवैन शरीफैन में तो जोहर की नमाज के बाद कुछ देर के लिए हम लेट जाते हैं और उससे पंद्रह बीस मिनट आधा घंटे की नींद भी हो जाती है तो जब हम उठेंगे तो, तो, तो वजू करना जरूरी, वजू करना जरूरी वो है। तो फर्ज है उसकी वजह यह है कि अब तो वो बायदा आप लेटे भी है और फिर उसमें आपने नींद भी की है जी या तो ये लेटे होते और मुकम्मल आंखें खुली हैं, आपने नींद नहीं की है तो फिर तो नहीं लेकिन आप लेटे और बाकायदा आपने नींद की है तो फिर तो वजू टूट टूट जाता है तो दोबारा वजू करना पड़ा लाजिम है लाजिम है अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में असलाम मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि एहसान करने का अजर क्या है और एहसान जितलाने का बवाल क्या है दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं इनके अच्छा उससे पहले मेरा इसमें एक सवाल एहसान की तारीफ कर दीजिए देखिए जी सबसे पहली बात तो ये कि एहसान शर् नुक़ नज़र से किसी के साथ ऐसा मामला करना कि जिस मामले का आप पर पर फरीजा आयद नहीं होता था नफल तबर्र के दर्जे के अंदर वो काम था आपने अगले के साथ वो मामला किया इसको शरण एहसान कहते हैं जब ये आपने तारीफ पूछी तो बड़ी अहम बात इसमें निखर करके सामने आ जाएगी आनी चाहिए कि कोई शख्स अगर अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है और हकूमत वक्त ने उसको एक काम के लिए मुकर किया अब आप जाकर के उससे वो काम लेते हैं वो काम पूरा करके देता है तो ये कोई एहसान नहीं है ठीक ये किसी किस्म का कोई एहसान नहीं उसने अपना फर्ज मनसबी पूरा किया डॉक्टर का, का काम दवाई देना ठीक आलिम का काम मसला बताना इसी तरह से जो वकील है उसका काम अपनी कंसल्टेंसी और इसी तरीके से अगर हुकूमत के अंदर दफ्तर में कोई क्लर्क बैठा हुआ है और वो किसी ख़ास मकसद के लिए बैठा हुआ है वो आपका वो वाला काम कर रहा है जिस काम के लिए उसको बिठाया गया कोई आसान नहीं है मसला ये है एक आदमी आउट ऑफ द वे जाकर आउट ऑफ द वे जाने से मुराद ये नहीं कि इनिगली वो नहीं कह रहा हूँ बल्कि मकसद ये है कि उसके ऊपर शर्न कानून अखलाकान फ़र्ज़ नहीं था लेकिन उसके बावजूद उसने ईसार का तोज़ों का कुर्बानी का मामला आपके साथ कर दिया इसको कहा जाता है एहसान और ये जो एहसान है ये एहसान अगर कोई करे तो उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए ठीक ये हदीस के अंदर बाकायदा तौर पर तरगीबी ताक़ीदी हुक्म है खुद कुरान करीम के अंदर है चेक। क्या चेक। हल इल्ल एहसान? एहसान? चेक। चेक। के एहसान का बदला नहीं है मगर एहसान करना चेक। चेक। अगर आपको कोई हदिया देता है तो उसके बदले में आपको भी हदिया देना चाहिए शमायल तिर्मिजी के अंदर हदीस मौजूद है

ककड़ियाँ एक बच्ची छोटी पड़ोस की वो लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना भर भर कर उनके घर के अंदर भिजवाया हजरत मोहब्बत बिन तफरा रजी अल्लाह तहा की रिवायती है इसी तरीके से बेशुमार मरतबा बहुत सारे लोग आप की खिदमत में कभी कोई कपड़ा खुलाते आप सल्हलम उसके बदरे के अंदर दिया करते थे आप सल्ह वसम की तो खैर सखावत उस तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता वो तो मामला ही अलग था लेकिन तरीक़ार और सुन्नत यही है एहसान का देखिए यहां बड़ी एक अजीब एक अजीब साइंस है और उसको समझना चाहिए साइंस यह है कि चेक एंड बैलेंस का निजाम रखा है शरीयत ने दो तरफा मामला है खराबी कहाँ होती है इफरात और तफरीद कहाँ होती है जहां यक तरफा गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है वो कैसे जिस बंदे ने एहसान किया है वो एहसान कर चुका अगले बंदे पर शरअन ये लाजिम है और अखलाकन ये लाजिम है कि वो उस एहसान के बदले में शुक्रिया अदा करे मगर इस एहसान करने वाले को शरीयत की तरकीब ये की तुम सिर्फ रज़ाए खुदाबंदी के लिए करो भूल जाओ कि तुमने किसी किस्म का एहसान किया हर दो तरफा शरीय ने तरकीब दे रखी है चुनाचे इस आदमी के बारे में जो एहसान करने वाला है और आने जतलाना क्या फरमाया तीन अपराध ऐसे होंगे अल्लाह ना उनका तजकिया करेगा ना नजर शफकत फरमाएगा ना निगाह फरमाएगा वो तीन अपराध कौन से एक वो शलवार को टखनों से नीचे इजारा और दूसरे नंबर पर एहसान जतराने वाला अल्लाह नहीं फरमाएगा अल्लाह नजर शही फरमाएगा निगाह अल्लाह नहीं फरमाएगा इतना सख्त घटिया काम है नाजायज काम है गुना का काम है कुरने करीम के अंदर मना किया जा रहा है और अहादीस के अंदर मना किया जा रहा है ऐसा आदमी अल्लाह की नजर शफकत से महरूम हो जाता है ये तो है एहसान करने वाला उसको शरीयत की ये तरफ तो पता ये चला कि वो क्यों करे एहसान सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए देकर भूल जाए एक से दिया दूसरा पता नहीं है और देखे भी नहीं पता भी ना करे मालूम भी ना करे कल को एहसान भी ना जतना है जुबान से जिक्र भी ना करे दूसरी तरफ मामला यह है कि जिस पर एहसान किया गया उसको कहा गया ना शुक्र मत बनो उसको कहा गया इस तरह का रवैया मत इख्तियार करो कि अगले वाले कबूल किया तो तुमने उसके जी। ये कौन सा तरीका है, है। रवैया किया है शुक्रिया अदा करो और शुक्रिया के लिए अल्फाज भी बयान फरमाए कि जब तुम्हारे साथ कोई एहसान का मामला करे तो तुम उसको कहो जजा कुम खरा अल्लाह तुमको बेहतरीन जजा दे ये तो जुमला अरबी के अंदर है दुआइये जुमला और यही सुनना था और इसको इख्तियार करना चाहिए मगर इसके साथ साथ आप अपनी जुबान के अंदर जैसे कि इंग्लिश में थैंक यू कहा जाता है उर्दू में शुक्रिया अदा किया जाता है शुक्रिया अदा करें दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करें और फिर अब उस एहसान के बदले में टोह में लग जाए और कोशिश में जद्दोजहद में लग जाए कि मैं भी इसके साथ एहसान कमाऊँ ये है शरीयत की तरगीब चुनाचे आप हैरान होंगे एक मरतबा हजरत मोमिन रजील घर बैठी थी जब घर में तशरीफ़ फरमाती तो बाहर से किसी की कोई ज़रूरत कोई फकीर के मांगने की आवाज़ आई उम्रीय हजरत बरीरा को अंगूर खा रही थी वो अंगूर दे दी कुछ भी नहीं था घर में तो वो अंगूर दे दिए जाओ जा कर के उसको दे दो जब ये हजरत बरीरा वहाँ गई और जा करके उनको दे दिया जब वो वापिस आती है ना तो हजरत आयशा रजीला ने पूछा अच्छा ये बताओ जब तुमने उसको दिया था तो उसने उसके बदले में क्या कहा अब यहाँ बड़ा काबिल गौर नुकता है क्या हजरत आयशर रजिया को किसी की शुक्रिया या तहसीन की, की कोई तमन्ना थी हर किस नहीं हो ही नहीं सकता तो सखावत वाली इस कदर दो महीने तक चूल्हे नहीं जले हुए और घर के अंदर बोरियां भर के राशन आ गया और पूरा दिन तकसीम करती रही करती रही करती रही यहां तक कि उनकी बांधी ने कहा जान कुछ तो अपने लिए रख लिया होता दो महीने से चूल्हे नहीं जला कमाल बेनियाजी और मुरबत के साथ ये इर्सात परमा अच्छा तो अल्लाह की बंदी जरा पहले ही बता दिया होता यानी वो ऐसी अजीम खातून है जन्नत कि वो सखावत के बहाती चली जा रही है। लेकिन क्यों उन्होंने पूछा कि वो अंगूर के चंदानों पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया या नहीं किया सिर्फ इस वजह से कि ये भी तो इस्लाम का हुक्म है कि जब कोई किसी के साथ भलाई करे तो फिर वो उसके बदले में शुक्रिया अदा करे यहाँ इफरात और तफरी होती है उसके नतीजे में दिल मैले हो जाते हैं तबीयत में तकद्दुर पैदा हो जाता है भाई अगर किसी ने आपके साथ एहसान का मामला किया उसका शुक्रिया भी अदा करो अल्लाह के सामने दुआ भी करो और फिर उसके एहसान का बदला चुकाने की कोशिश पूरी करो। कोशिश करते रहो मुफ्ती साहब आपका बड़ा ममनू बड़ा शुक्रगुजार वक्त का मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का ख़वानों तरत हमारे को अल्ला सलामत रखे तशरीफ़ लाते हैं और हमारे और आपके पूछे गए सवालों के शाफी जवाब कुरान सन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं पयाम सब का अख्ताम होता है रोज़ाना एक कौल पर और वह कौल होता है साहिब नहजुलबलागा अमिरमिन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्ला वजहू का आप फरमाते हैं जाहिल वो है जो अपने काम से नावाफ़ हो जाहिल वो है जो अपने काम से ना वाक़ हो सुबहानल्लाबहान अल्लाह अपने मेजबान अनीक अहमर को कल तक के लिए इजाजत दीजिए खुरा दिगारे हाँ